एक अच्छा नजारा नहीं था, उसकी काफी चर्चा हो रही है बाहर। और छत्तीसगढ़ हमारा है ना बहुत ही मिनरल से भरा हुआ राज्य है, पहले हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा था, कोल और आयरन में बहुत आगे है छत्तीसगढ़ प्रोडक्शन वाइज, और ट्राइबल स्टेट भी कहलाता है, काफी ज्यादा ट्राइबल्स भी पाए जाते हैं, बस्तर इलाका फेमस है वहां का। तो छत्तीसगढ़ का एक जिला है सूरजपुर या सूरजगढ़ नाम से, वहां पे आज एक नौजवान मेरे जैसा 23-24 साल का वो निकला होगा और हाफ पैंट पहना हुआ था। अब वेशभूषा पे ध्यान दीजिएगा, हाफ पैंट पहना हुआ था, एक ऊपर टी शर्ट थी और मास्क वगैरह लगाया हुआ था और ऊपर एक टोपी लगाया था। ये पूरा वीडियो नहीं है इसका, जहां से शुरू हो रहा है वहां से मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पहले भी कुछ हुआ है। मतलब इस वीडियो में देख रहे हैं कि कुछ कमांडोज हैं, 2-3 पुलिस वाले हैं और जो सूरजगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो खड़े हुए हैं, अच्छे नौजवान, बढ़िया पूरा ऐसा हेलमेट का शील्ड वील्ड लगा के वो खड़े हुए हैं और इससे बात कर रहे हैं, वो कुछ अपना पेपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा वीडियो, राइट राइट। और इतने में ये डीएम जबरदस्त एक तमाचा मारते हैं उसको, तो वो लोग कह रहे हैं कि इनकी माता पिता तो सॉरी दादा दादी एडमिट है हॉस्पिटल में, अच्छा अच्छा कोरोना की वजह से। ओके, तो ये उस समय पे खाना लेके जा रहे थे उनके लिए, अच्छा, और खाना लेके जा रहे थे और वो शायद हॉस्पिटल से कुछ पास वगैरह बना था। तो ये स्टोरी में तो अपन जो ऐड करना चाहे जो सब्ट्रैक्ट करना चाहे कर सकते, और उन्होंने फिर उसके बाद माफी मांग ली है जो कलेक्टर साहब हैं। होता क्या है ना दादा, लाइन ऑफ ड्यूटी पे अगर आपके पास जेन्युइन रीजन उनको नहीं लगा तो भाई यू आर लायबल टू पनिशमेंट। आप ऐसा मत सोचो, और फिर एक बार अपन डिस्कस कर रहे थे हमारे पॉडकास्ट पे कि अपीयरेंस दादा यहाँ पे बहुत काम करता है। पता नहीं आपके मुंबई में इतना लिबरल कैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन यहाँ पे बैंकर जज किया जाता है। वहीं पर अगर वो लड़का एक नॉर्मल शर्ट पैंट पहना हुआ काले जूते पहना हुआ लड़का होता ना तो मतलब उसको ऐसे छोड़ देते वो लोग, पर जहां तुम लफंटा टाइप लगे कि तुम जबरन को घूमने लगे, अब यानी वो उनको शायद ना लगा होगा देख के कि भाई तुम्हारे दादा दादी अगर बीमार है तुम अस्पताल जा रहे हो तो तुम हाफ पैंट में काय के लिए घूम रहे हो, राइट। ये मेरे पापा ने मेरे को बचपन से बताया है दादा, तब नहीं समझ में आता था लेकिन अब समझ में आता है कि जब भी आप कहीं ट्रैफिक पुलिस वाले आपको पकड़ेंगे इधर पे, पुलिस वाले पकड़ेंगे, इनके साथ आपका कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये सब बड़ा मैटर करता है कि आप उस दिन शेव आपने किया है कि नहीं किया है, आप सही कपड़े पहने कि नहीं पहने, उससे एक छवि बनती है आपकी कि आप सही हो गए कि गलत। आई थिंक वो जो सिस्टम बहुत प्रेशर में है, पुलिस अधिकारी जो कॉन्स्टेबल्स हैं इन पे बहुत प्रेशर है, यू नो क्या बात। और यू नो ऑब्वियसली वो प्रेशर के तहत ही हुआ है, बिकॉज आप जहां तक मुझे समझता है इन लोगों को मिला हूं मैं, 99.9% ये जितने भी आईएएस अधिकारी निकलते हैं दे आर वेरी पोलाइट, बहुत सभ्य होते हैं वो, बहुत रेयरली यू नो ऐसा पब्लिक में अपना गुस्सा दिखाते हैं। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि बेचारे वो अधिकारी को भी इतना रिएक्शन टीम का तीव्र था, मतलब तीव्र निकला बिल्कुल। बिकॉज़ आई हैव सीन, आई हैव मेट होल बंच ऑफ दीस पीपल एंड दे आर वेरी पोलाइट, वे आर वेरी यू नो अच्छी बात करते हैं और गुस्सा नहीं करते हैं, गुस्सा इज द लास्ट थिंग दैट आई सीन। हाय दिस इज आलोक, मेरा नाम है नितिन, और अगर आप पूरा एपिसोड सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करें। और नितिन ने जो कहा आप लोगों ने नहीं किया तो लिंक आपको जरूर देख लेगी। दिस इज न्यूज़टेनमेंट टेलीविजन।